खुदगार वेग विदारण। पहली बात तो ये लिखो, वागभट ने तेरा ऐ धारणीय वेगों में उद्गार के स्थान पर काश माना। अब एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको, पहले श्लोक पढ़ते हैं उद्गार वाला। लिखता उद्गार वेग विदारण करने से इक्का उत्पन्न हो जाती है, श्वास उत्पन्न हो जाता है, मतलब डिस्कने वाली कंडीशन, अरुचि, कंपन, विबंध हृदय उर्सु, हृदय और उर मतलब थोरेक्स रीजन जो है वहां कंप्रेशन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि रस्सी से बांध दिया चारों तरफ से किसी। उद्गार की चिकित्सा में बोल रहा है हिक्का के समान औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुख्य लक्षणों में क्या है, हिक्का। अब सुनना आप थोड़ा सा, ये हो गया अपना ये जीए ट्रैक वाला मामला, और ये है इसके ऊपर डायफ्राम। अब जो स्टमक की कंडीशन होती है वो एग्जैक्ट क्या होती है वो देखो, चल जा रहे ये कंडीशन है स्टमक का, ये वाला पार्ट इस तरह से होता है डायफ्राम के साथ में, डायफ्राम को क्रॉस करके और इसोफेगस ऊपर जाती है। उद्गार वेग का मतलब समझो, ये यहां पर स्फिंक्टर है, यहां स्फिंक्टर है, या यहां मान लो कार्डिक वाला, और स्टमक मान लेते हैं इसके अंदर, ये यहां तक मेटेरियल भरा हुआ है, मतलब लगभग आदमी भूखा सा है। अब इसने खाना खाया, पानी पिया, तो उसकी वजह से जो भोजन और पानी है उसने ये सारा स्पेस अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया, इसको भर दिया। जब यहां कुछ नहीं था तो यहां पे हवा थी, एयर थी, तो ये वाली एयर खाना खाने के बाद में बाहर आती है उद्गार के रूप में, तो तब तक ये एयर फिर रहती कहां है, तब तक ये एयर क्या करती है, ये वाला जो भाग है स्टमक का, ये वाला, इस पे इस एरिया में रहती है, लेकिन इस एरिया में तो पहले से एयर थी, इस वाले पोर्शन की एयर, आप जानते हैं कि बैलून जो होता है उसकी तरह होता है स्टमक, मस्कुलर ऑर्गन है, तो यहां पर एयर जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फंडस पार्ट है स्टमक का, ये वाला, ये ऊपर की तरफ फूलता है बैलून की तरह एयर के प्रेशर कारण, तो जो कंडीशन बनती है वो बन जाती है फिर ये वाली, और ये वाली जो वॉल है यहां कौन भर जाएगी, एयर, ये कंडीशन हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से जो एयर होती है वो जब फंडस पार्ट का जितना स्पेस है उसमें जितनी वो रह सकती है, अब ये प्रेशर जब इधर बन रहा होता है तो इधर इस स्फिंक्टर पर भी बनता है, और एक थ्रेशोल्ड वाले प्रेशर के बाद में स्फिंक्टर एक बार के लिए खुलता है और एयर बाहर चली जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उद्गार वेग को धारण करके रहे, मतलब इस एयर को बाहर नहीं निकाले, तो इसका जो प्रेशर है वो यहां बना रहता है, और ये प्रेशर अल्टीमेटली फंडस की वाल से ट्रांसफर होता है डायफ्राम, और डायफ्राम एक लेवल तक ऊपर शिफ्ट होता है, के बाद भी उद्गार वेग विदारण है तो डायफ्राम क्या करेगा, खुद कंप्रेस होगा, मतलब दब जाएगा एक तरफ से एयर के प्रेशर के कारण। डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है वो आप सबको पता है, फ्रेनिक नर्व जो होती है वो इसको सप्लाई करती है, और जब डायफ्राम कंप्रेशन होता है तो फ्रेनिक नर्व है वो भी कंप्रेस होती है, और फ्रेनिक नर्व कंप्रेशन की वजह से ही कौन सा रोग उत्पन्न होता है, हिक्का, जिसको आप हिक्कप कहते हैं। तो बेसिकली हिक्का की इटियोपैथोजेनेसिस जो मॉडर्न की है वो ये है कि फ्रेनिक नर्व इरिटेशन होती है, उसकी वजह से डायफ्राम जो है वो उसके मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं।
उद्गार वेग विदारण से हिक्का होना सामान्य बात है। अब क्या करें, एक लक्षण तो इक्का वाला जो था वो तो वेरीफाइड हो गया। दूसरा है श्वास। अब श्वास रोग जो है उसको साधारण अर्थों में समझो तो डिस्निया वाली कंडीशन है, श्वास क्रचता की वो है। और ये डायफ्राम जब ऊपर शिफ्ट होगा तो किसको कंप्रेस करेगा, दोनों लंग्स को। अगर डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है इस एयर के प्रेशर की वजह से तो दोनों साइड लंग्स है वो कंप्रेस होंगे और थोरेक्स कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम होगा क्योंकि डायफ्राम ऊपर जा रहा है। अब थोरेक्स के अंदर लंग्स के अलावा और कौन है, हार्ट। तो लंग्स को तो अपन उर बोल लेते हैं और इसको हृदय कहते हैं। एक लक्षण श्वास वाला, जब दोनों लंग कंप्रेस होंगे तो डिस्निया वाली कंडीशन होगी और जब हार्ट और लंग्स का एरिया कम होगा तो स्थिति उत्पन्न होगी विबंधो हृदय उर्सु। विबंधो हृदय उर्सु जो स्थिति है उसका यही मीनिंग है कि चेस्ट एरिया में और हार्ट पे कंप्रेशन फील होता है। तो विबंध हो गया, श्वास हो गया, सॉरी इक्का हो गया, श्वास हो गया, विबंधो हृदय उर्स हो गया। अब रह गया अरुचि। अरे भाई जब स्टमक में स्पेस नहीं है तो कुछ और खाने की इच्छा थोड़ी होगी, नोजिया जैसा होगा क्योंकि वो एयर क्या कर रही है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर रही है, उसके उसका जो प्रेशर है उसकी वजह से। तो यहां पर अरुचि होना नॉर्मल बात है। अब अगर लक्षणों में जाए, इक्का, श्वास, अरुचि, कंपो, विबंधो, हृदय उर्सो, यही तो लिखा हुआ है उद्गार वेग विदारण में। ये बात समझ आएगी नहीं, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ाओ। चलो अब चिकित्सा। चिकित्सा क्या है? उद्गार वेग विदारण है, जब एक्सट्रीम प्रेशर हो जाएगा तो फिर हैंडल होगा ही नहीं, एयर तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन फ्रेनिक नर्व इरिटेट होगी तो इक्का चलती रहेगी, बाकी सब चीजें अपने आप सब साइड हो जाएगी। तो चिकित्सा में ओनली क्या लिख दिया कि अब बच्चे का लास्ट अंडरस्टूड होना चाहिए, एक की चिकित्सा बताइए कि इक्का की चिकित्सा कर दो, इक्का तुल्य औषधम। क्योंकि जैसे ही गैस रिलीज हुई डायफ्राम नीचे आएगा, अरुचि, श्वास, विबंधो हृदय उर्स ये सब बंद हो जाएंगे। और फ्रेनिक नर्व इरिटेशन है, एक बार हो जाती तो उसको टाइम लगता है सेटल होने में, तो अगर नहीं हो पा रही है सेटल तो फिर इक्का की चिकित्सा करनी। इसलिए उद्गार वेग विदारण में लिखता है इक्का, श्वास, अरुचि, कंप, विबंधो हृदय उर्स। कंप जो शब्द है वो या इस तरह से मानो कि रेस्टलेसनेस की कंडीशन हो गई, एब्डोमिनल कैविटी का जो एरिया है उसके अंदर प्रेशर फील कर रहा है पेशेंट और चेस्ट कंप्रेशन फील कर रहा है तो हाथ पांव धूझने लगते हैं उसके, उस अर्थ में कंपन बोल रहा है। इक्का, श्वास, अरुचि, कंपो, विबंधो हृदय उर्स। और चिकित्सा में क्या लिख दिया, इक्का तुल्य औषधम।